कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुड़ा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक विमोचन से पहले चर्चा में आ गई है। रीता बहुगुड़ा जोशी ने इस पुस्तक में इंदिरा गांधी के राजनीतिक दल और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह राजनीतिक करियर का उनके जिक्र किया है। फिलहाल 4 मई को इस पुस्तक के विमोचन की तैयारियां चल रही हैं और विमोचन से पहले रीता बहुगुड़ा जोशी की पुस्तक विवादों में घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक विमोचन से पहले चर्चा में आ गई है। क्या है इस पुस्तक में और उस पुस्तक को किसने लिखा है? रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। इस समय पुस्तक में क्या कुछ है जानकारी के साथ? इंदिरा गांधी उसमें जिक्र है थोड़ा सा कि राजनीतिक डर था उनको, क्या चीज थी उसको लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की इंदिरा जी भी थी, उत्तर प्रदेश की भावना जी भी थे, और भावना जी को जब इतने कठिन काल में यहाँ पर मुख्यमंत्री बना के भेजा गया, जो उन्होंने लोकप्रियता ग्रहण की, वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभने लगी। और मुझे लगता है, ये खुलेआम तो ना किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इतना पावरफुल ना हो शक्तिशाली कि वो केंद्रीय या राष्ट्रीय नेतृत्व का चैलेंज करने लगे, ये उनके दिमाग में निश्चित रूप से आ गया था। क्योंकि भावना की लोकप्रियता हिंदू में, मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों जिम्मा कह लीजिए, उनका श्रमिकों में, कर्मचारियों में उनका बहुत मानदान हो गया था, और किसानों में विनोबा भावे ने तो उनको मिट्टी नंदन की उपाधि नहीं दी थी कि तुम तो मिट्टी के लाल हो। तो इस तरह से उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं जरूर उनके मनोभाव पर प्रभावित, उस मनोभाव को प्रभावित किया होगा, ऐसा मैं समझ कर चलती हूँ। वो सारे मैंने घटनाओं का प्रसंग इसमें दिया है कि कैसे कैसे मतभेद के क्या क्या कारण रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने उसको एक तरफ से वृत्तांत दिया है। दीदी, ये पुस्तक कितने दिन में आपने लिखा है और किस तरीके से आपने अंदर जागरूकता आई कि इस पर एक बड़ा विषय है, तमाम नेताओं के इसमें पोल खुल रहे हैं, जो कि बहुत सारी बातें जो समाज के लोग नहीं जानते थे इस पुस्तक में ऐसी बातें भी हैं, तो किस तरीके से आपके अंदर प्रेरणा आई कि ये पुस्तक लिखा जाए ताकि समाज में सब लोग जाने? मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई तो हम लोगों ने तो उम्मीद नहीं की थी वह कब जल्दी चले गए, तो उनके जो प्रपत्र वगैरह थे, जो उनका उनके पेपर्स थे, बहुत अच्छे से संयोजित नहीं थे, तो मैंने इकट्ठे करने शुरू किया। करते करते 1997-98 तक मैं पहला ड्राफ्ट तैयार कर पाई, और वो थोड़ा कच्चा पक्का ड्राफ्ट हुआ, पब्लिश हुआ। लेकिन फिर जब ये कोरोना आया, मैंने उनके 3-3 अलमारी में भरे हुए कागज़ों को एक एक करके स्कैन किया, तो माइन ऑफ इंफॉर्मेशन थी। तो फिर उसको लेकर फिर मैंने उसको नए तरीके से रचा किताब को, और मूल तो आधार वही है जो था, लेकिन अब बहुत विस्तृत उसमें जानकारियां हैं, और अंग्रेजी का संस्करण पहली बार आ रहा है। पहली बार तो हेमवती नंदन बहुगुणा पॉलिटिकल क्रूसेडर अभी पहली बार इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय चेतना के संवाहक भी आ रहा है। तो कैसे उस व्यक्ति ने कभी अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी उन्होंने सत्ता का लोभ नहीं किया, और कैसे वो अपने, अब जो भी हो आप कह सकते हैं कि उनके जो उनकी जो विचारधारा थी वो सही थी नहीं थी, उन्होंने जो निर्णय लिए वो सही थे कि नहीं थे, वो आलोचना हो सकती है, पर अपने मूल चिंतन से, जो गांधीवादी चिंतन था, जो उनका गांधी नेहरू फ्रेमवर्क का चिंतन था, उसको कभी नहीं छोड़ा। शुक्रिया दीदी। 325 पेज में हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक में तमाम वो चीजें सामने आ गई हैं जो शायद लोगों को नहीं पता था। याद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।